सोशल मीडिया पर ज़्यादा लाइक्स और कमेंट पाने के लिए अक्सर कुछ लोग जोखिम उठाने से भी नहीं चूकते। इस लिस्ट में टेरेजर सबसे आगे रहते हैं। खतरनाक वीडियो शूट करने के दौरान लोगों की मौत की खबरें भी अक्सर सामने आती रहती हैं। अब ऐसे ही एक ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से सामने आया है। यहाँ पर एक 9वीं क्लास की एक छात्रा बंदूक लेकर सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रही थी। इसी दौरान गोली चलने से उसकी मौत हो गई। दरअसल घटना कासगंज शहर के मोहल्ला कोर्ट इलाके की है। 2 दिसंबर को छात्रा स्कूल में पेपर देने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन स्कूल से लौटते समय छात्रा अपनी एक सहेली के घर वीडियो बनाने के लिए चली गई। छात्रा की सहेली के पिता के पास एक लाइसेंसी राइफल है। छात्रा इसी राइफल के साथ वीडियो शूट करने का मन बनाकर सहेली के घर गई थी। राइफल पहले से ही लोडेड थी। जैसे ही छात्रा ने उसे अपने हाथ में लिया, गोली चल गई। गोली छात्रा के जबड़े से होते हुए सिर से पार हो गई। कासगंज SP रोहन बत्रा ने इसे लापरवाही का मामला बताया है। उन्होंने बताया कि जिस सहेली के घर छात्रा वीडियो बनाने गई थी, उसके घर के बाहर CCTV लगा है। CCTV फुटेज में दिख रहा है कि दोपहर 1:06 पर चारों लड़कियां घर के अंदर जाती हैं और 2 मिनट के बाद 1:07:55 पर तीनों लड़कियां घर के बाहर भागती हुई नजर आ रही है। महज 2 मिनट के अंदर घर की पहली मंजिल पर 9वीं की छात्रा को गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। इस वीडियो को देखने के बाद पुलिस ने छात्रा की तीनों सहेलियों से भी पूछताछ की। SP ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल से करीब 315 बोर की लाइसेंसी रिवॉल्वर जब्त की है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ गोली चलने की आवाज सुनकर जिस व्यक्ति की बंदूक थी, उसने कारतूस निकालकर फेंक दिए और मौके से फरार हो गया। SP ने बताया कि उसकी तलाश की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है। लड़की के भाई ने इस मामले में रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। पीड़ित परिवार ने बताया कि पहले भी उनके परिवार के साथ मारपीट की गई थी और जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। उन्होंने FIR भी दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब उनकी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं पुलिस ने रेप के आरोप को खारिज किया है। पुलिस का कहना है कि 2 मिनट के अंदर 3 छात्राओं की मौजूदगी में रेप का प्रयास नामुमकिन है। इस घटना की गवाह 3 लड़कियां भी इसी आरोप को खारिज करती हुई नजर आ रही है।